हमने कंफर्म कर लिया है कि बच्चे को जितनी भी इसके अंदर तस्वीरें हैं सबके नाम बच्चे को आ गए हैं। तो अब दूसरे स्टेप में हमने ये करना है कि जितनी ये चीजें दी गई हैं इन सब चीजों को जो उनकी शुरू की आवाज आती है बच्चे ने उस तस्वीर को आवाज के साथ बोलना है। इसके अलावा सिर्फ ये किताब में ही नहीं जितनी ये चीजें दी गई हैं कि उनको ही बोलना है, जो भी चीज बच्चा देखे उसको बच्चा उसकी शुरू की आवाज के साथ बोले। फॉर एग्जाम्पल अगर घर में जो चीजें पड़ी हुई हैं जैसे सोफा है तो बच्चा इसको बोलेगा ससोफा, कुर्सी है इसको बोलेगा कुर्सी, चेयर है तो उसको बोलेगा चेयर, इसी तरह बुक है तो बच्चा इसको बोलेगा बुक, इसी तरह फ्रिज है तो बच्चा उसको बोलेगा फ्रिज। ये प्रैक्टिस बच्चे की करवानी है कि हर चीज को हर तस्वीर को बच्चा जो है वो उसकी शुरू की आवाज के साथ बोले। अभी बुक पे नहीं जाना, अभी उसकी ये प्रैक्टिस करवानी है बच्चे की कि वो जो भी चीज देखता है जिस चीज का भी वो नाम बोलेगा तस्वीर का वो उसको शुरू की आवाज के साथ बोलेगा। चलें बेटा मेरे साथ आप लोगों ने बोलना है, बुक को हम कहेंगे बबुक, क्या कहेंगे बबुक बबुक, फैन को हम क्या कहेंगे फैन, फैन हाँ बेटा क्या कहेंगे फैन फैन, शाबाश। इस तरह फ्रिज को हम क्या कहेंगे फ्रिज फ्रिज। इस तरह हम सोफे को क्या कहेंगे सोफा सोफा, शाबाश। इस तरह दरवाजे को क्या कहेंगे, दरवाजा इसी तरह कुर्सी को क्या कहेंगे, कुर्सी शाबाश। इस तरह डोर को क्या कहेंगे, द डोर डोर। इस तरह फैन को क्या कहेंगे, फैन अच्छा। इसी तरह हम पेंसिल को क्या कहेंगे, शाबाश पेंसिल। पेंसिल। जितनी भी चीजें बच्चे को नजर आ रही हैं उन सब चीजों को बच्चा उनकी शुरू की आवाज के साथ बोले, ये प्रैक्टिस करवानी है बच्चे से। और जब बच्चा आवाजों के साथ बोलना शुरू कर देगा तो फिर बच्चे को बुक में लेके आना है कि बेटा ये बुक के अंदर जितनी तस्वीरें हैं अब इन तस्वीरों को भी आपने उनकी आवाजों के साथ बोलना है। अब बेटा अमरूद को कैसे बोलेंगे, हाँ अमरूद अमरूद, शाबाश। अनार को कैसे बोलेंगे बेटा, इसको आम को क्या बोलेंगे, शाबाश, ऊंची आवाज में बोलो। इस तरह आड़ू को क्या बोलेंगे, शाबाश। इस तरह आग को क्या बोलेंगे, शाबाश। बकरी को कैसे बोलेंगे, बकरी। अब जैसे हर चीज के दो दो नाम है तो अब हमने वो नाम यहाँ कहलवाना है बच्चे से जो जिससे हम उस आवाज से हम उस लेटर की तरफ जाएंगे जो मैच करता है जो लेटर उसकी आवाज का। वैसे तो इसको हम इसको गोट भी कहेंगे लेकिन यहां हम बकरी कहेंगे क्योंकि बकरी जो बकरी है बेटा इसको क्या पढ़ेंगे, बकरी बकरी। अब बकरी की आवाज जो बे से मिलती है, इस तरह बेटा इसको क्या पढ़ेंगे, बिल्ली शाबाश। इसको क्या कहेंगे बेटा, बस। बस इसी तरह जो इंग्लिश की बुक है उसमें भी हम जितनी भी तस्वीरें हैं उन तस्वीरों को हम आवाज के साथ बोलेंगे। बेटा एप्पल को क्या कहेंगे, ए एप्पल, शाबाश। क्या बोलेंगे, ए एप्पल, शाबाश। एरो को क्या बोलेंगे बेटा, शाबाश, ए एरो। एंट को क्या बोलेंगे बेटा, ए एंट, शाबाश। इसी तरह हम बलून को क्या बोलेंगे बेटा, बबलून, शाबाश। बटरफ्लाई को क्या बोलेंगे, ब बटरफ्लाई बटरफ्लाई, शाबाश। इस तरह बुक को क्या बोलेंगे, शाबाश। इस तरह जितनी तस्वीरें हैं उन सारी तस्वीरों को हम उनकी शुरू की आवाज के साथ बोलेंगे।